लेकिन मियां नवाब मलिक दूसरों पे आरोप लगाते हैं, फर्जीवाड़ा का, बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट का, मैरिज सर्टिफिकेट का, और इनके सपुत्र क्या क्या गुल खिला रहे हैं, क्या मियां नवाब मलिक को ये पता नहीं? कोई ऐसी जानकारी है कि ईडी के अरेस्ट होने के बाद नवाब मलिक, मियां नवाब मलिक हॉस्पिटल में एडमिट है, बाबा सिर की बीमारी बताकर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आज कुछ महीने हो चुके हैं, मुझे लगता है 4-1 महीने से ये हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या मियां नवाब मलिक का बाबा सिर अभी तक ठीक नहीं हुआ, जो इनको आथर रोड में होना चाहिए और ये हॉस्पिटल में कुल्ला में बैठे हुए हैं, वहां से पूरा अपना गैंग और नेटवर्क चला रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यहां से चालू हुआ फराज नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा। कैसे इन्होंने नकली दस्तावेज बनाकर एक फ्रेंच रेजिडेंट लड़की के साथ मिलकर पहले तो निगाह किया, बाद में बोगस डॉक्यूमेंट, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो या अनेक अलग अलग सर्टिफिकेट हो, वो बनाकर कैसे उसका वीजा अप्लाई करके उसको रेजिडेंट बनाने का, भारत की नागरिकता दिलाने का इन्होंने काम किया। ये मैटर अभी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की, उनका स्वागत करते हैं। काफी टाइम से ये पेंडिंग थी FIR, जो इनके प्रेशर में लास्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। लेकिन मियां नवाब मलिक दूसरों पे आरोप लगाते हैं, फर्जीवाड़ा का, बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट का, मैरिज सर्टिफिकेट का, और इनके सपुत्र क्या क्या गुल खिला रहे हैं, क्या मियां नवाब मलिक को ये पता नहीं? मैं ये बताना चाहूंगा कि मियां नवाब मलिक और इनका परिवार, चाहे ड्रग का हो इनका दामाद, चाहे ये खुद हसीना पारकर और दाऊद के साथ प्रॉपर्टी के लेन देन, पैसे के लेन देन, बेटे का अगर CBI ED की इंक्वायरी हो, और अब तो बोगस डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट का भी कांड इनका बाहर आ गया है। और अभी ऐसी जानकारी है कि ईडी के अरेस्ट होने के बाद नवाब मलिक, मियां नवाब मलिक हॉस्पिटल में एडमिट है, बाबा सिर की बीमारी बताकर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आज कुछ महीने हो चुके हैं, मुझे लगता है 4-1 महीने से ये हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या मियां नवाब मलिक का बाबा सिर अभी तक ठीक नहीं हुआ, ऐसा कैसे एक कानून की धज्जियां उड़ाकर, जो इनको आथर रोड में होना चाहिए और ये हॉस्पिटल में कुल्ला में बैठे हुए हैं, वहां से पूरा अपना गैंग और नेटवर्क चला रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, उप मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, कि इसकी जांच करें और इसका भी दूध और दूध पानी का पानी हो। क्या मियां नवाब मलिक को बाबा सिर है कि यहां से भी झूठ बोल रहे हैं? धन्यवाद।